Now, this is Baloo. And you know what? Baloo the bear was very smart. He knew that winter would come and he would need food. बलू द बेयर हैज टू सेव फॉर विंटर, वो क्या करेगा? बलू द बेयर ने अभी से ही विंटर के लिए हनी कलेक्ट करना और सेव करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे भी बलू द बेयर की तरह सेव करना है सुबू, फॉर अ फन रिटायरमेंट। एनी आइडियाज? यस ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट डिसाइड हाउ मच यू विल नीड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो फिगर तो है मेरे दिमाग में। मम्मी इज गोइंग टू कलेक्ट हनी। यस टिया, समथिंग लाइक दैट। अगर आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक फिगर ऑलरेडी है, देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स। कीप इन माइंड आप और कितने साल काम करोगे, कितना सेव करोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। व्हाट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स? डेट या इक्विटी, ये आपकी चॉइस है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। व्हाट या व्हाट? डेट या इक्विटी। बलू द बेयर के पास ये दो रास्ते हैं टू कीप हिज हनी। सोचने दो मुझे। सोच लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। आप जितनी जल्दी शुरू करोगी उतना ही कंपाउंडिंग का असर होगा। जल्दी सोचो मम्मा, विंटर आ जाएगा। That's very true, बेटा। You can get there via SIPs या lump sums, depending on the situation. यार तुम सही कह रहे हो। I think I should start planning soon. मम्मा, मेरी भी धानी रखना। Yes, बेटा, but I think now you should sleep. Come on. That's true. वैसे भी बलू द बेयर सारा हनी एक दिन में थोड़ी ना कलेक्ट करेगा। सही एडवाइस है सुबू। सही तो म्यूचुअल फंड्स है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.